मंदिर ध्वस्त होने से ग्रामीणों में दिखा रोष किया प्रदर्शन। जनपद कन्नौज तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अहीर गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया। गांव के कई लोग एकत्रित हो गए। मंदिर टूटा देख लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे तिरवा उप जिलाधिकारी जयकरण, क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे व कोतवाल शैलेंद्र मिश्रा ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर बारीकी से घटना की जानकारी ली, समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत करवाया। वहीं आस्था को लेकर ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण की बात कही। ग्रामीणों ने बताया सुबह जब देखा गया तो मंदिर ध्वस्त पड़ा था। मंदिर टूट जाने से गाँव के लोगों में रोष व्याप्त है। सुरक्षा कर्मियों ने घटना की जानकारी कर बताया डंपर की टक्कर से मंदिर गिर गया था। वहीं डंपर चालक को हिरासत में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिरवा कन्नौज से सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। जय प्रकाश, क्या मामला हो गया? ये मंदिर हमारे पिताजी के द्वारा 40-45 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। इसमें पूरे गांव की आस्था थी, इसमें हम लोग पूजा अर्चना करते थे। आज ये किसी अज्ञात कारणों से मंदिर ध्वस्त हो गया है। इसमें मौके पर आला अधिकारी भी आए हैं। हमारी मांग है कि मंदिर पुनः निर्माण कराया जाए। अधिकारियों ने क्या कहा, क्या आश्वासन? अधिकारियों ने बनवाने का आश्वासन दिया है।